नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। दुनिया का सबसे खुश देश जहां कोई क्राइम नहीं होता, लेकिन अब वो भारत के लिए मुसीबत बन रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे भरोसेमंद देशों में से एक भूटान की। भूटान भारत की टेंशन बन गया है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में भूटान अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड की स्मगलिंग का सबसे पसंदीदा और आसान रास्ता बन गया है। भारत के डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के मुताबिक भारत में भूटान के रास्ते से गोल्ड की स्मगलिंग में बढ़ोतरी हुई है। DRI ने भूटान के रास्ते तस्करी केस में अब तक 66 किलोग्राम सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 21 करोड़ है। ये सभी मामले लखनऊ, कोलकाता और सिलीगुड़ी में सामने आए। हालांकि पहले इस तरह की तस्करी के लिए नेपाल सबसे बेहतर रास्ता बना हुआ था, लेकिन तस्करों ने भूटान से नया रास्ता ढूंढ निकाला है। आपको बता दें कि आमतौर पर भूटान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई अपराध नहीं होता, लेकिन भारतीय अधिकारियों के हत्थे कुछ ऐसे तस्कर चढ़े हैं जो भूटानी नागरिक हैं। साल 2017-18 में DRI ने 3,200 किलोग्राम सोना जब्त किया है, जिसे ज्यादातर भूटान और म्यांमार से तस्कर किया गया। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि भूटान के रास्ते सोने की जो तस्करी हो रही है, उससे अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट का संकेत मिल रहा है, यानी इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े ही व्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि शुरुआत में तो सोने की तस्करी होती है और बाद में इसी रास्ते का इस्तेमाल हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई के लिए भी किया जाने लगता है।